मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ऑसम मूवी केविन फीवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक वायरस महामारी पर, जैसे हम व्यूअर्स भी अपने प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है, हम व्यूअर्स जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार मार कर लाया होता है। फिर जैसे ही वो अपने डॉग के करीब जाता है, वो देखता है कि उसके डॉग को कुछ तो हो गया है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर जैसे ही वो अपने डॉग को टच करता है, तो एकदम से खून की धार उसके फेस पर आके गिरती है। साथ ही हम व्यूअर्स उस डॉग को भी देख पाते हैं जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। असल में गाइस, ये डॉग एक डेडली वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होता है। अब यहाँ से सीन कट होता है, हम व्यूअर्स चुल मचाते हुए फाइव फ्रेंड्स को देखते हैं। ये सब बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो स्प्रिंग ब्रेक सेलिब्रेट करने के लिए उसी जंगल में मंगल करने जा रहे होते हैं जहाँ ये प्लेग यानी कि महामारी फैली हुई है। रास्ते में ये एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। इस स्टेशन पर रैबिट फेस का मास्क लगाए एक लड़का बैठा हुआ होता है। आगे पॉल जब उस लड़के से ग्रीट करने के लिए हैंडशेक करता है, तब वो लड़का पॉल के हाथ को धर दबोचता है, वो उसके हाथ में काट लेता है। तभी उस लड़के के पापा वहाँ पर आते हैं जो कि फ्यूल स्टेशन के ओनर होते हैं। वो अपने बेटे को डांटते हैं कि तेनु जुतियां मार मार के सुधार देना मैनू। फिर वो उन लोगों से कहते हैं कि मेरे बेटे को मेंटल बैलेंस खराब है, इसकी हालत ठीक नहीं है, ये सबको काटने को दौड़ता है, प्लीज इसे माफ कर देना। फिर वो पॉल को अपना घाव धोने के लिए कहते हैं। आगे जब ये लोग जब फ्यूल स्टेशन में मटर गश्ती कर रहे होते हैं, तो इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये उस आदमी को बताते हैं कि ये पास के ही जंगलों में वैकेशन स्पेंड करने जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी इन्हें वार्न करता है, बच्चों जा तो रहे हो लेकिन बहुत केयरफुल रहना, वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है, एक हाईली कंटेजियस वायरस वहाँ पर तेजी से फैल रहा है। लेकिन सब चुलबुले होते हैं, कहाँ मानने वाले थे, बदमाशी तो खून दौड़ रही थी इनके। इसके बाद ये वैकेशन स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर को बुक करते हैं। फिर ये नोटिस करते हैं कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये स्पॉट सिटी से काफी ज्यादा दूर होता है। फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से बर्ड को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि अब वो गेम नहीं खेल पाएगा। यहाँ से सीन कट होता है। फिर ये दिखाते हैं कि कैरन लेक साइड का व्यू ले रही होती है, तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। वो कैरन से कहता है, फोटो बाद में अपलोड कर लेना, इस मोमेंट को एंजॉय कर लो यार। ये सुनकर कैरन फुल ऑन मस्ती के मूड में आ जाती है, वो लेक में स्विमिंग के लिए जाती है। वहीं कैरन को बिकनी में देखकर पॉल की नियत फिसल जाती है, फिर वो भी लेक में जंप लगा देता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि पॉल कैरन को लाइक करता है, हालांकि उसने ये बात कैरन को नहीं बताई होती है। इसकी दूसरी तरफ हम शरारती बर्ड को देखते हैं। बर्ड बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो जंगल में ही लाइव पबजी गेम खेलने लगता है। उसके पास एक रियल गन होती है जिससे वो निशानेबाजी करता है, लेकिन इस दौरान वो जंगल में एक आदमी को गोली मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि उसके डॉग का ब्लड इस आदमी के ऊपर गिरने से ये आदमी भी वायरस से इफेक्टेड हो गया होता है। वहीं ये देख बर्ड की गैंड में कुकुर मुत्ता उगा आता है, उसकी बुरी तरह से फट जाती है। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, गैंड में गई मदद, ये कहकर बर्ड शुतुरमुर्ग से भी तेज वहां से भाग खड़ा होता है। बर्ड जंगल से वापस आ जाता है, लेकिन वो इस बात को किसी से भी नहीं बताता, सीक्रेट ही रखता है। इसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है जहां ये सब कैंप फायर के अराउंड मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है, उसके पास एक डॉग होता है। वो आदमी इन लोग से कैंप फायर के पास बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। ओके बैठ जाओ। कुछ देर ये उस आदमी के साथ चिट चैटिंग करते हैं, फिर वापस से सब अपने केबिन में आ जाते हैं। फिर जब ये लोग बैठकर हंसी मजाक गप्पे लड़ा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजे को खोलता है तो कोई और नहीं बल्कि वही इफेक्टेड आदमी होता है जिसे बर्ट ने गोली मारी थी। लेकिन इससे पहले ही बर्ट बीच में कूद कर दरवाजे को बंद कर देता है और उस आदमी को भगा देता है। तभी विंडो से वो देखते हैं कि वो आदमी उनकी गाड़ी चोरी करके ले जा
जा रहा है। ये देखकर बर्ट और बाकी सब बंदूक और हथियार लेकर दौड़कर बाहर आते हैं। बर्ट उस आदमी को गन पॉइंट पर रखकर गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर्स में शूट करके गाड़ी को पंचर कर देता है, जिसके बाद मजबूरन उस आदमी को गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। वो इनसे मिन्नतें करता है कि प्लीज डॉक्टर को बुला दो ना, लेकिन इन सबकी इतनी ज्यादा फट रही होती है कि ये उसे अपने से दूर करने में लगे होते हैं। इसी दौरान जेफ उसे एक आग दिखाकर पीछे करने की कोशिश करता है। अनलकली वो लग इंसिडेंट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कैरन सजेस्ट करती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये मामला बहुत पेचीदा है। सब इस बात पर एग्री होते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से, साथ ही उनकी गाड़ी भी पंचर हो जाने की वजह से वो इस बात को कल के लिए टाल देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कैरन को देखते हैं जो बहुत टेंशन में होती है। वो अपना सामान सट्टा पैक कर रही होती है। तभी वहां पर पॉल आ जाता है। वो कैरन को समझाता है कि यार कल रात वाली बात को लेकर इतना परेशान मत हो, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, सब अनजाने में हुआ है, सबको सेफ रखना जरूरी था यार। अब अगर हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है तो हमें साथ रहकर ही काम करना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। पॉल कैरन को शांत करता है, इसके बाद कैरन भी मान जाती है। फिर ये दिखाते हैं कि वर्ट और जेफ पास की लोकलिटी में मदद के लिए भटक रहे होते हैं। इस दौरान ये एक लेडी से मिलते हैं जो कि बुचर होती है। वो एक जिंदा पिक को काट रही होती है, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर रोना रो रही होती है। वो इन्हें बताती है कि हाय अब हम का खाएवे, ये सारे पिग वायरस से इफेक्टेड है, ये किसी काम के नहीं है। ये लोग उस लेडी से हेल्प मांगते हैं कि आसपास अगर कोई मैकेनिक हो तो प्लीज बता दे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इधर वो लेडी इन्हें बताती है कि आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, इसके लिए तुम्हें टाउन जाना पड़ेगा, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं किसी को फोन करके तुम्हारे लिए मैकेनिक बुलवाती हूँ। इसके बाद दोनों उस लेडी के पीछे पीछे उसके घर पहुँच जाते हैं। वो दोनों का वेलकम करती है और उन्हें पानी देती है। फिर वो इन्हें एक फोटो दिखाकर एक आदमी के बारे में पूछती है कि ये दो दिन से मिसिंग है, मेरा कजिन है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? गाइस ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो इनसे मदद मांग रहा था और इन्होंने उसकी मदद नहीं की। ये देखकर दोनों खड़बड़ा जाते हैं और फौरन ही बहाना करके घर से निकल जाते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि इनके केबिन के बाहर एक हॉट लेडी ऑफिसर आती है। हम वियर्स भी मैडम की खूबसूरती देखकर मदहोश हो जाते हैं। वहीं पॉल लेडी ऑफिसर को मिलने आता है। लेडी ऑफिसर पॉल पर गन पॉइंट करके पहले तो उसकी फाड़ देती है, फिर वो अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पेट्रोलिंग के लिए आई है। पॉल फौरन ही ऑफिसर को उस आदमी के बारे में बताता है कि एक इफेक्टेड आदमी ने हम पर रात में अटैक कर दिया था। इस पर ऑफिसर उसकी कंप्लेन नोट कर लेती है। इस दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लेडी ऑफिसर पॉल को लाइन मार रही होती है। ये देखकर पॉल मैडम से हेल्प मांगता है कि वो पांच लोग हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, वो उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम करवा दे। ये सुनकर ऑफिसर उन्हें जल्दी ही एक गाड़ी भेजने को कहती है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आगे पॉल और बर्ट अपनी गाड़ी में लगे ब्लड को साफ कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वहाँ पर उसी अनजान व्यक्ति का डॉग आ जाता है। वो डॉग अब इफेक्टेड हो चुका था, वो इन्हें स्टेयर कर रहा होता है। ये देखकर पॉल उसे पत्थर से पेलने वाला होता है। तभी वहाँ पर मार्सी आ जाती है, वो डॉग के आसपास शूट करके उसे वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स खूबसूरत कैरन को देखते हैं। कैरन सो रही होती है, तभी पॉल उसके पास आता है। कैरन को सोता हुआ देखकर पॉल से जाने लगता है। तभी कैरन उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे जाने से रोकती है, जिसके बाद पॉल उसके साथ आके बेड पर लेट जाता है। अनकंट्रोल्ड होकर दोनों प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान कैरन को बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है। फिर पॉल जब कैरन के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, हम व्यूअर्स साथ ही पॉल ये देख पाते हैं कि कैरन इफेक्टेड हो चुकी है। ये देखकर पॉल सबको इस बारे में बताता है कि कैरन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद सब दौड़कर कैरन के रूम में आते हैं। लेकिन बर्ट सबको रूम से बाहर निकाल देता है और कैरन को बेड पर रहने को कहता है। ये देखकर कैरन घबरा जाती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। बर्ट उसे शांत रहने को कहता है। वो पॉल को समझाता है कि ये सब कुछ हम सबकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ, नहीं तो हम सब इफेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद ये कैरन को घर से बाहर स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं ताकि बाकी लोग सेफ रहें। आगे ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम
हम लोग अब अलग अलग सोएंगे, अलग अलग खाएंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। तभी एकदम से बाहर इन्हें किसी के घुर्राने की आवाज आती है। जब ये विंडो से देखते हैं तो बाहर वही डॉग होता है, वो पूरी तरह से अब इफेक्टेड हो चुका था। वो डॉग उस स्टोर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिसमें कैरिन बंद थी। ये देखकर वो लोग कुत्ते को सुलटाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन इससे पहले ही डॉग वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि बर्ट ने गाड़ी स्टार्ट कर ली होती है। अब बाकी लोग कैरिन को लेकर बाहर आते हैं, तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि बर्ट भी इफेक्टेड हो गया है, लेकिन वो अपने दोस्तों से ये बात सीक्रेट रखता है। इसी दौरान जेफ नोटिस कर लेता है कि बर्ट भी इफेक्टेड हो गया है। फिर जब वो बर्ट से इस बारे में पूछता है तो सच्चाई सामने आने पर बर्ट अकेले ही गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेफ भी इन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। वहीं मार्सी उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। आगे ये दिखाते हैं कि पॉल कैरिन के कपड़े, उसका सामान, सारा कुछ उठाकर लेक में फेंक देता है। अब केवल मार्सी और पॉली बचे होते हैं। कैरिन तो बेचारी इफेक्टेड होकर मरने वाली होती है। आगे मार्सी और पॉल आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मार्सी पॉल से कहती है कि हम दोनों भी इफेक्टेड होकर मर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्सी की इस बात पर पॉल उसे शांत करने के लिए गले लगाता है। इस दौरान ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। ये एक दूसरे को किस करते हैं और घपाघप होने लगते हैं। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि मार्सी भी इफेक्टेड हो चुकी है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि बर्ट उसी फ्यूल स्टेशन में पहुंच जाता है। वो स्टेशन के ओनर से मदद मांगता है और डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है। ये देखकर ओनर समझ जाता है कि ये वायरस से इफेक्टेड है, जिसके बाद ओनर गन लेकर बाहर आता है। ये देखकर बर्ट की फट जाती है और वो वहां से गाड़ी घुमाकर भागने लगता है। ओनर और उसके फ्रेंड्स बर्ट को पेलने के लिए कार से उसका पीछा करते हैं। ये देखकर बर्ट समझ चाहता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, ये लोग उसे पकड़ ही लेंगे। मौका पाकर वो गाड़ी से उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स मार्सी को देखते हैं, जिसका इन्फेक्शन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होता है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी की स्किन भी निकलने लगती है। ऑन द अदर हैंड हम व्यूअर्स पॉल को देखते हैं, जो लेक साइड पर खड़ा होता है। तभी उस पे वही आदमी अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो आदमी पूरी तरह से जल चुका है। वही पॉल उसे गर्दन से करके पानी में डुबा कर मार देता है। आगे मार्सी को अब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसे पेन भी हो रहा होता है, जिसके बाद वो सब अपने सेंसेस को खो देती है और बिना कपड़ों के घर से बाहर निकलकर हेल्प मांगने लगती है। इसी दौरान वहां पर वही इफेक्टेड डॉग आ जाता है, वो मार्सी पर अटैक कर देता है, उसे जिंदा ही खाने लगता है। वही मार्सी की चीखने की आवाज पॉल सुन लेता है। जब वो जंगल से वापस आता है, वो देखता है कि डॉग ने मार्सी को पूरा खा लिया है। फिर जब पॉल गन लेकर स्टोर रूम की तरफ जाता है, वो देखता है कि डॉग कैरिन को भी नोच नोच कर खा रहा होता है। ये देखकर पॉल फौरन ही उस डॉग को शूट कर देता है। कैरिन को बहुत पेन हो रहा होता है, वो पॉल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी शूट कर दे। हालांकि पॉल ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को इस जड़ में नहीं देख सकता। वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली ही नहीं चलती, जिसके बाद वो उस पे वहां रखा फ्यूल डालकर आग लगा देता है। पॉल अब अंदर से टूट चुका होता है। तभी एकदम से वर्ड वहां पर आ जाता है, वो बहुत डरा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि फ्यूल स्टेशन वाले लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। इतने में ही एक गोली आके बर्ट को लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है, वो गन उठाकर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तभी उनमें से एक मूर्ख पॉल से कहता है कि बेटे तुम्हारी सेफ्टी ऑन है, जिसके बाद पॉल फौरन ही सेफ्टी हटाकर तीनों को गोलियों से भून देता है। इसके बाद पॉल उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। ऑन द वे वो नोटिस करता है कि वो भी इफेक्टेड हो गया है। अब पॉल भी अपने सेंस में नहीं रहता और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पॉल फौरन ही गाड़ी से उतरकर भागने लगता है और कैंप फायर तक पहुंच जाता है। वहां उसे वही लेडी ऑफिसर मिलती है जिसने उसे हेल्प का प्रॉमिस किया था। पॉल उसे गरियाता है, भैंस की आंख यहां बैठकर रिलैक्स कर रही है तू तो गाड़ी भेजने वाली थी। ऑफिसर पॉल को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल पहले ही जा रहा होता है। इसी दौरान ऑफिसर को फोन पर बताया जाता है कि जो कोई भी आसपास इफेक्टेड हो उसे देखते ही शूट करके मार दिया जाए। कमांड मिलने के बाद वो पॉल पर गन पॉइंट कर देती है, हालांकि वो उसे मारती नहीं है। पॉल उसे इंसिस्ट करता है कि उसे मदद की जरूरत है, जिसके बाद ऑफिसर उसे एक जंगल से शॉर्टकट बताती है, जिससे होते हुए वो टाउन एरिया तक आसानी से पहुंच सकता है। फिर पॉल उस रास्ते से होते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब होता है ये कि उसे रोड कहीं पर भी नहीं दिखती, चारों तरफ घना जंगल होता है। पॉल को एहसास होता है कि ऑफिसर उसे फंसा दिया है। वहीं पॉल अपने सेंसेस को खो देता है और चीखने चिल्लाने
जाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि जैव वापस से उसी केविन की तरफ आता है। वो देखता है कि सब लोग मर चुके हैं। वो खुश होता है कि वो बच गया। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, उसकी फट जाती है क्योंकि वो भी इफेक्टेड हो चुका होता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि ऑफिसर घात लगाए बैठी हुई है। वो जैव को देखकर उसे शूट करके मार देती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जंगल में पॉल भी मर चुका है। लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि उस प्लेस पर एम्बुलेंस और पुलिस आती है और वो उन सबकी डेड बॉडी को कलेक्ट कर रहे होते हैं। चिर-चिर पॉ-पॉ खलास। इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।